विद्यार्थियों कक्षा 8 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा पाठ है लाभ की चुड़िया और उसके लेखक का नाम है कांता नाथ। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जिस विद्यार्थी के पास पुस्तक नहीं है वो पुस्तक खरीद ले, क्योंकि ये जो पाठ है इसे बहुत धीरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तुम भी इस पाठ को आसानी से पढ़ सकते हो। इसे मैं तुम्हें समझा देती हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक बता रहा है कि गांव भर में बदलू है वो उसे सबसे अच्छा लगता, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाभ की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नाम का जो व्यक्ति है वो मनियार था और वो लाभ का काम करता था। और वो लेखक को क्या करता था, रंग बिरंगी लाभ की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। सभी बच्चों को नैनीताल जाने का चाव होता है, उसी प्रकार लेखक कह रहा है कि मुझे भी अपने मामा के गांव अर्थात अपने नैनीताल जाने का बहुत चाव था। क्यों? क्योंकि वो उस मनियार के घर जाता था और वहां से रंग बिरंगी वो गोलियां उसे मिलती थी। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोहती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बद्दू को बद्दू मामा कहना चाहिए, क्योंकि मामा के जो गांव के हैं तो वो सभी मामा की उम्र के हैं तो मामा ही होते, इसलिए मामा कहना चाहिए था। लेकिन यह इसे बद्दू मामा न कहकर लेकर उसे बदलू काका कहता था। क्या कहता था? बदलू काका। अब क्वेश्चन बन जाता है कि लेखक उसे क्या कहता था, तो बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बद्दू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, अर्थात उसका जो मकान है गांव में जो होते हैं घर सनके तो किसी का ऊंचा भी होता है उस अलग। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, आगे आंगन भी है उसकी, जिसमें पुराना नीम का वृक्ष खड़ा था, नीम का पेड़ था उसमें। उसी के नीचे बैठकर बद्दू अपना काम करता था। बगल में भट्टी तहती रहती थी, क्योंकि लाख की चूड़ियों का काम करते हैं तो भट्टी अर्थात उसमें जो अंगारे हैं वो भी तहते रहते हैं, जिसमें वह लाख पिंगलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, लकड़ी की चौखट जो चार तरफ से लगी हुई है, जिस पर लाख की मुलायम होने पर उसे सलाब के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। कुछ बच्चों ने देखा होगा कि उस लकड़ी का जो पट्टा होता है जैसे हमारे टेबल के ऊपर होता है, इस प्रकार से लंबा सा होता है, उसके ऊपर उस लाख को पहले तो मुलायम कट दिया जाता है, पिघला लिया जाता है, फिर उसके ऊपर इस प्रकार से लंबा किया जाता है। चार छह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी होती थी। जैसे बेलन होता है वैसे ही मोटी सी होती है, जैसा आकार बनाना होता है उसी के अनुसार उसके चारों तरफ बनाते हैं। आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी, तो क्योंकि पतली है वो उस तरफ से डाले तो जितना बनाना होगी लाभ को लपेट कर इस प्रकार से उसे बना। लाभ की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना, पहले आकार दे लेता फिर उसके ऊपर डालता और फिर उन्हें एकदम गोल बनाता और चिकना, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के बाद उन पर एक हाथ की चूड़िया बना लेता, फिर उन चूड़ियों के ऊपर जिस प्रकार से हम देखते हैं सभी बच्चे भी देखते हैं कि महिलाएं हैं वो रंग बिरंगी चूड़िया पहनती हैं, वैसा ही उन्हें रंग देता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मंचे पर बैठ कर करता था। ये काम था वो किसी टेबल कुर्सी उन पर बैठ कर नहीं, बल्कि एक चारपाई होती थी छोटी उस पर बैठ कर, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा गया, तो गांव के जो बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि हुक्का क्या होता है, तो वह भी उसे पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बद्दू के पास बीतता, लेखक ज्यादातर उनके पास ही जाकर बैठता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और किस नाम से पुकारता था,
गला कहते पुकार। और मेरे पहुंचती मेरे लिए तुरंत एक मचिया बना देता, जैसे कि लेखन जाता और तुरंत एक उसके लिए छाता बना देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चुड़िया बनाते देखता। लेखन घंटों वहां बैठा रहता और उसे देखता रहता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ा कर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। पूरा जोड़ा बन जाता दोनों हाथों का, फिर उस पर लगाकर फिर बेलन क्या करता था और फिर कुछ देर कुछ पल क्षण का है पल तो कुछ देर उन्हें क्या करता रहता था, देखता भी रहता था। मानो वह बेलन में होकर किसी नव वधु की कलाई, ऐसे लगता जैसे उस बेलन को नहीं किसी नई वधु है उसके हाथ में उन्हें पहना दिया गया। वधु मनहार था, क्या था वो, जैसे जाट राजपूत इस प्रकार से कहते हैं वैसे ही क्या मनिहार जो चुड़िया बनाते हैं। चुड़िया बनाना उसका पैतृक पैसा था, क्या था पैतृक, उसके पिता ने दादा ने उन्होंने बनाया था और क्या था ये ऐसा व्यवसाय काम धंधा जिसे कहते हैं वह उसका था, ये उसका काम था या उसका रोजगार है तो ये उसका रोजगार। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चुड़िया बनाता था, उसकी बनाई हुई चुड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चुड़िया पहनती, खपत अर्थात उसकी चुड़िया बनाई गई बहुत ही बिकती थी और उस गांव की तो ज्यादातर स्त्रियां उसकी बनाई हुई पहनती। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चुड़िया ले जाते, परंतु वह कभी भी चुड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था, रुपये उनके नहीं लेता। उसका ही तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात क्या लेता था चुड़ियों के बदले वस्तु। जिस प्रकार से लोग क्या करते हैं अनाज वगैरह देते हैं उस प्रकार से, और लोग अनाज के बदले से चुड़िया ले जाते, रुपए के आधार पर नहीं बल्कि अनाज देते थे उसी से ही वो चुड़िया ले जाते। बदलू स्वभाव से सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, किसी से लड़ाई करते नहीं देखा। हाँ शादी विवाह के अवसरों पर वह उसे जीत पकड़ लेता था, क्योंकि यही अवसर होता था कि उसे अच्छा है वो उपहार दिया जाए। जीवन में चाहे कोई उसे मुफ्त चुड़िया ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल देता है। विवाह के अवसर पर वह पीछा नहीं छोड़ता था, अपनी इच्छा के अनुसार लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि सुहाग का जोड़ा था दुल्हन के लिए जो चुड़िया लेके आता था उसका और ही महत्व होता है, तो उसमें वह कोई कमी नहीं छोड़ता। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया। अब लिखे होता है कि मामा के घर में किसी लड़की का विवाह था और उस बात पर ही वो नाराज हो गए और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, अर्थात बहुत परेशानी हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिले, अर्थात बदलू की पत्नी को भी सारे वस्त्र मिले, ढेरों अनाज मिलता, थोड़ा भी नहीं अनाज मिल गया था। उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते वो अलग, इसीलिए क्या है इस समय वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। उसे भी कपड़े मिल रहे हैं, पगड़ी भी मिल रही है, रुपए भी मिल रहे हैं, अनाज भी मिल रहा है और उसकी पत्नी को भी मिल रहा है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीट थी तो है नहीं कांच की चुड़ियों से, कांच की जो चुड़िया होती है उनसे उसे बहुत ही चीट थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चुड़िया दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता, अंदर के अंदर जो घुटन होती है दुखी होता था वो। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, किसको जो कभी कांच की चुड़िया पहने हुए किसी को देखता तो उसे गुस्सा आता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, अब लेकर कह रहा है कि मुझसे तो क्या करता था काफी देर बातें करता,
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। देखिए एक मनिहार होकर एक बच्चे से किस प्रकार से पढ़ाई से बातें कर रहा है, पढ़ाई से संबंधित, और कभी उसके घर से और कभी शहर के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो उत्तर देता शहर की बात और अलग, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर ही घूमती और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। मैं उसका मानना था कि जो शहर की स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके जो हाथ हैं, उनकी कलाइयां हैं, वो बहुत ही नाजुक होती है। लाभ की चुनिया पहनने तो मौज नाज है, यहाँ पे वह है क्या है तीखा व्यंग्य कर रहा है, ये भी नाजुक नहीं है कि यदि वो लाभ की पहने तो मौज नाज है, अर्थात वो फैशन में रहती है, वो इस प्रकार लाभ पहनना कम पसंद। कभी कभी बद्दू मेरी अच्छी खासी खाते भी करता, जब लेखक उनके घर जाता, बच्चा था उसी समय, तो उसकी भी अच्छी खातिरदारी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर करता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेकिन वो खातिरदारी आम वो तो अच्छे लगे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है जो उसके लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाता था वह। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। यहाँ वह बता रहा है बहुधा, बहुधा का अर्थ है अधिकतर, ज्यादातर कहा जाता था अपने मामा के घर, क्योंकि गर्मियों में ही छुट्टी होती है और उसी समय बच्चे हैं वो मामा के घर ननिहाल जाते हैं, तो ये भी उसी समय जाते हैं। और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब लेखक के पिता अठारह साल दूर हो गया, इसलिए तबादला दूर हो गया, इसलिए वो मामा के घर नहीं आ पाया। लगता लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि अब नहीं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बद्दू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां हाथ की चूड़ियां पहनने लगे। दिल्ली ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, ज्यादातर क्या है कांच की चूड़ियां पहनने लगी, कुछ महिलाएं ही। तब एक दिन सहसा मुझे बंदूक का ध्यान आया, बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां खोलकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। तब उसे क्या किया, उस समय मामा घर पर नहीं थे, मरहम पट्टी करनी पड़ी, तब उसे बंदूक का ध्यान आता है कि वह तो क्या है लाठी से अपनाता है। मैंने सोचा लेकिन सोचता है कि अब उसे मिलकर अतः शाम को घूमते घूमते उनके घर चला गया। बद्दू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था, नीम के नीचे चबूतरा बना लिया जाता है, उस समय कच्चे ही बंदे थे, उनके गोबर और मिट्टी का लेपन किया जाता था, तो उसके घर के बाहर भी वही बना हुआ था और वह वही सो रहा। नमस्ते बद्दू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु पहचानने के लिए वह उसे निहाता था। मैं हूँ जनार्दन काका, लेकिन मैं अपना नाम क्या था जनार्दन, आपके पास से गोलियां घुमा कर ले जाता था, उसने अपना परिचय दिया। बद्दू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल, स्मृति पटल होता है जैसे हम क्या करते हैं याद करते हैं, याद करने के जो सोचते रहते हैं वो पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, तब एकदम बोल पड़ा, अतीत की छुपी बातें याद करो, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए, हमने पीछे देखा था कि वह किस नाम से संबोधित करता था, लल्ला नाम से, तो क्या कहता है आओ बैठो। हाँ इधर आना नहीं उसका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया।
सूर्य नहीं बना रहा था, न वो चारपाई दिख रही थी और न ही वो घंटी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साथ से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो रहा है, वह कुछ देर चुप रहा। क्या कहता है? तो कांच की चूड़ियों का प्रचार हो रहा है और फिर चुप हो जाता है। फिर बोला, मशीन युग है लल्ला, आजकल सब मशीन से होता है, खेत की मशीन से जोते जाते हैं और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में लाभ भी खास है कि जितनी सुंदर कांच की चूड़ियां बनती है क्योंकि वो मशीन से बनती है तो वैसी लाख से कहां बन सकती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसने देखा था कि उसके मामा जी की लड़की के हाथ में वो चुप गया था। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता। मुझे लगा उसे दमा है, दमा श्वास होता है अस्थमा की बीमारी। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढक चुका था, उसके हाथ ऊपर और माथे पर से उभर आए जैसे वो दिखाई देने लगे। जैसे जाने कैसे मैंने उसने मेरी शंका भाव कि उसके मन में क्या विचार चल रहा कि दमा है कहीं उसे न लग जाए इस प्रकार से। तो क्या कहता है, दमा नहीं है मुझे, असली खांसी है, यही महीने दो महीने से आज में हो गया तो महीने दो महीने से ही चल रही, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा व्यथा दुख अंदर की जो भावना है वो छिपा हुआ। मैं देर तक सोता रहा कि इस मशीन में कितने हाथ काट दिए। मशीन आने की वजह से हाथ काट देना कितने लोगों का रोजगार है वो छीन लिया। कुछ देर फिर शांति हुई और मुझे अच्छी नींद आई। आपकी फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात कर से पूछा कि आप मुझे से पता था कि आप बोलते हैं तो आपकी फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जू, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब उसकी तरफ मुख कर, माफ करना लल्ला, तुमने आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आप कई साल बहुत खाए, वाह वाह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल में बेच कहाँ से खिलाता इतनी मेहनत। तो उसकी बेटी अंदर से एक दलिया में ढेर से आम लिए जिसे के अंदर आम डाले थे उसे चल रहा है। ये सबूत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह वाह, हंस पड़ा सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चोरों में आम एक वक्त में खा जितने आप डाल के लाई है। तो उसने कहा कि मैं इतने नहीं खा पाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इससे भी जो उन्हें 4 गुना खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी लल्ला, को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले लेना। आम है कौन से? सिंदूरी वाले को देखो लल्ला कैसे इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह उस क्षण के लिए उसके हाथों पर रुक गई। रज्जो के जो हाथ थे उनकी तरफ गोरी गोरी कलाइयों पर दाग की चूड़ियां खूब थप रही थी। अपना अपना सुंदर करना, अब क्या बता रहा है कि उस गोरी गोरी कलाइयों में उसने क्या दाग की चूड़ियां पहन रही थी। बंधु ने मेरी दृष्टि देखी और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह का। जो उसकी बेटी ने पहन रखी कि जमींदार साहब के घर विवाह था उस समय बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से लिया। मैंने आम ये और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला। मुझे प्रसन्नता हुई कि बंधु ने हार कर भी हार नहीं मानी, अर्थात नहीं बिक रही थी तब भी उसने क्या किया, वे चूड़ियां है वो नहीं बेची थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसे